मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी हड़ताल का रहली क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला है। हड़ताली कर्मचारियों ने तहसीलदार संदीप तिवारी को 12 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग में संविलियन हमारी प्रमुख मांग है, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम आउटसोर्स कर्मियों की 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांग है विभाग में संविलियन की। दूसरी मांग है कि हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिले, और जो आजकल विभाग से लापरवाही होती है, हम लोगों की दुर्घटना होने पर कोई सुनाई नहीं होती है, उसके लिए हमारे परिवार का इलाज या हमारा इलाज हो, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से सरकार साथ विभाग हमारा शोषण कर रही सभी आउटसोर्स कर्मियों का, और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज से धरने पर बैठे हैं ताकि हम लोगों के शोषण को रोका जा सके।